मैं बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ तो वो एनर्जी को मेरी मॉम बेयर नहीं कर पा रही है स्टार सीड्स भी एक कैटेगरी आती है सोल की अगर सोल को बाहर आना है तो दोनों मदर फादर में से एक को बॉडी वैकेट करनी पड़ेगी ये जो स्टार सीड्स होते हैं इनके सिर बहुत बड़े रहते हैं बहुत अनशेप्ड रहते हैं कोई प्रॉपर शेप नहीं रहता बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग पास्ट लाइफ से लेके आते हैं बाल आग कोई भी बॉडी पार्ट भी हम सेम डिजाइन करते हैं इस लाइफ में किसी पास लाइफ का जैसे ही मैं टीन एज में गई बारह तेरह साल के आयु के बाद ये जो मेरा भगवान के साथ कनेक्शन है वो टूटता गया एक पॉइंट पे फिर मैं जब टेंथ स्टैंडर्ड में आई तो वो पूरा डिस्कनेक्ट हो गया तब मैं ऐसी बन गई जिसे हम कहेंगे कि नास्तिक मैजिक मैंने देखा कि सोल बॉडी से बाहर आके सामने बैठा है और वो शरीर को देखा आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कि मैं ही खुद को देख रही हूँ मतलब मैं क्या हूँ एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तब ऑपरेशन चल रहा था तो मैं अपने शरीर से बाहर आके वो टेबल पे बैठ के देख रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है फर्स्ट कर्मा जो मैं कर रही हूँ कि मैं बेजुबान जानवरों को ही खा रही हूँ तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी लाइफ बेटर हो कि मैं कितनी मतलब ये नमस्कार दोस्तों पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है आत्मा धरती पर जन्म लेती है अलग अलग रूपों में अलग अलग शरीर धारण करती है अलग अलग अनुभवों के लिए ताकि वो और ट्रांसफ़र हो सके और अपने को अपने स्वयं के ईश्वरीय तत्व को पूरी तरह से जान पाए कुछ आत्माएं ऐसी है। जो बचपन से ही अनुभव लेती हैं वो मेचोट सोल्स होती हैं जिनके पास्ट में उन्होंने बहुत से अनुभव किए होते हैं और इस जन्म में वो अपनी तो ट्रांसफॉर्मेशन करते ही हैं, परंतु साथ के साथ वो जन सेवा जन कल्याण के लिए भी आती आज हम मिलेंगे सीनियर पिरामिड मास्टर पल्लवी जी से जो कि 2006 से ही ध्यान में आ गई थी और उनके बचपन में ही उनके अनुभव ने उनकी जीवन की रूपरेखा को एक नया रंग दे दिया तो हम उन्हीं से जानते हैं उन्हीं की इस सुंदर यात्रा को स्वागत करते हैं पल्लवी जी आपका आत्मा की यात्रा शो में धन्यवाद पल्लवी जी जैसा कि हर आत्मा धरती पर जन्म लेती है कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए नया सिखाने के लिए जीवन में और नए अनुभव लेने के लिए तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जीवन की यात्रा किस परिवार के माध्यम से शुरू हुई आपके माता पिता कौन थे आपने कैसे जीवन की अपनी शुरुआत करी थैंक यू मैम सबसे पहले तो ये जो हमारा एपिसोड है या फिर शो जो है आत्मा की यात्रा तो हर एक एपिसोड में आप जो प्रेक्षक हैं हमारे वो हर आ, मास्टर्स की स्टोरीज को सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं पे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं लेकिन मुझे लगता है जितने भी एपिसोड्स मैंने देखे हैं तो इट्स बेसिकली सोल स्टोरीज हमारी सबकी एक जर्नी की स्टोरीज है और लेकिन हमें उस व्यक्तित्व को ना देखते हुए उस आत्मा को देखना है तभी मुझे लगता है आत्मा की यात्रा के इस शो को आप गहराई से समझ पाएंगे मतलब मुझे यही कहना है कि मुझे पल्लवी देख के आपको उस स्टोरीज को नहीं देखना है तो एक आत्मा के नज़रिए से उसको देखना है क्योंकि जब तक हम ये नज़रिया नहीं बदलेंगे हमें अपनी स्टोरीज भी समझ नहीं आएंगी न दूसरों की आएंगे मन को तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा लेकिन जो हमारे आकलन में हमारे कर्म में अगर हमें ये ये सभी चीज़ें लानी है तो हमें आत्मा के दृष्टिकोण से इसे देखना चाहिए हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे एक्सपीरियंसेस से वाइब्रेट हो या फिर उन्हें भी ऐसे ही एक्सपीरियंसेस हुए हो जिनके जवाब शायद उनको मेरी स्टोरी से मिल सकते हैं राइट तो मेरी जर्नी भी काफ़ी एक्साइटिंग है और एक्साइटिंग uh, इसलिए है क्योंकि ध्यान में आने के बाद ही जो भी अनुभव आ, मुझे अपने लाइफ में आए हैं उसकी क्लैरिटी ध्यान से ही मिली है नहीं तो तब तक हमें लगता है कि हम बहुत ही आ, आम लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ अपने जीवन में नहीं कर सकते या स्ट्रगलिंग है ऐसे ही इमेज हम हम खुद के लिए अपने लाइफ में बना लेते हैं लेकिन मेडिटेशन जो है वो सब कुछ वो जो अज्ञान है उसको हटा देता है और हमारे हर एक अनुभव को उसको एज अ गिफ्ट लेते हैं ना कि एज अ कर्स क्योंकि कई बार हम जो है भगवान से कहते हैं कि ये मेरे साथ ही हो रहा है मुझे बुरा मिला है इस तरीके की जो कंप्लेंट्स होती है ध्यान के बाद बंद हो जाती है और जो दुख भी मिला है वो सुख में परिवर्तित हो जाता है तो मैंने एक हिंदू फैमिली में लाइफ ली है मेरे पेरेंट्स है उज्ज्वला नाम है मेरी माता जी का और पिताजी है बाला साहेब एक मराठी फैमिली में मैंने लाइफ ली है मेरी दो सिस्टर्स हैं जो अभी पुणे में रहती है और एक भाई है तो ऐसे हम चार लोग हैं सिबलिंग्स और काफ़ी कनेक्टेड है तो मैं यही कहूँगी अपने पेरेंट्स के लिए कि मुझे अपने पेरेंट्स से ना फ्रीडम और विश्वास बहुत मिला है जो मुझे लगता है सबको नहीं मिलता मतलब मैं कहूँगी कि मुझे मिला है हो सकता है मेरी सिस्टर को ना मिला तो soul to soul ये सोल टू सोल ये चीज़ें चेंज हो जाती है पेरेंट्स की भी क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट जो है एक बच्चे के लिए अलग बिहेव कर रहे एक बच्चे के लिए अलग है तो ये होता ही है क्योंकि वो भी उस सोल के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं और सोल की वजह से ही उनके बर्ताव जो हम में स्वभाव के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं गुणों के माध्यम से देख सकते हैं तो उसी को ही वो रिएक्ट करते हैं। नहीं तो पेरेंट के लिए हर बच्चा तो उनका ही है सेम है लेकिन आत्मा से वो रिलेट करता है पल्वी जी यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि सोल टू सोल पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज होता है जी ये हम देखते हैं राइट एक ही परिवार में जो है पेरेंट्स एक बच्चे के साथ कैसे बिहेव करते हैं दूसरे के साथ कैसे करते हैं तो इसका मतलब है कि उस सोल का जो कनेक्शन होता है या जो नेचर होती है अंदर से उसी के अकॉर्डिंगली उसके पेरेंट्स भी उसमें शिफ्ट कर जाते हैं। yes, yes. Will, uh, मतलब सिर्फ पेरेंट शिफ्ट नहीं करेंगे पेरेंट तो पहला एग्जाम्पल है शिफ्ट होने का लेकिन जितने भी लोग उन ऐसे सोल्स के लाइफ में आएंगे या जो हम एक दूसरे के लाइफ में आ रहे हैं वो वैसे ही बिहेव करेंगे अगर कोई बुरा बर्ताव भी करता है तो उनको एक अनुभव से समझ आएगा कि इसके साथ मुझे कैसे रहना चाहिए तो बेसिकली क्या है कि हम आत्माएं हैं। मन से जरूर सोचते हैं लेकिन है तो आत्माएं और अगर ऐसे देखा जाए इसीलिए ओशो ने बोला था कि मैं नहीं देखता कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जागृत नहीं है वो मन से जागृत नहीं है लेकिन आत्मा है तो सभी जागरूक है राइट तो ये जो कनेक्शन है आत्मा से मन का वो कनेक्शन वीक है वो वो जागृत नहीं है कॉन्शियस लेवल पे नहीं तो आत्माएं तो हमेशा जागृत है नहीं तो आप बताओ जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे कि एक पेरेंट एक बच्चे के साथ ऐसा बिहेव करता है और दूसरों के साथ ये एक को प्यार दे रहा है एक को डांट रहा है राइट right? क्यों क्योंकि दोनों को वो ट्रीटमेंट जरूरी है एक को एक बार बताने से समझ आ रहा है एक को नहीं आ रहा तो उसको वो साम दाम भेद उनको करना पड़ेगा राइट right? तो इसी तरीके से वो जो ऊर्जा एक आत्मा से आ रही है जो समझ आत्मा से आ रही है एक जो यात्रा ऑलरेडी कितनी करके आ रहा है जो हम बोलेंगे कि एक आत्मज्ञान एक आत्मा के अंदर है उसी तरीके से आ, उसका फ्रीक्वेंसी उसकी वाइब्रेशन रहेगी और वैसे ही लोग उसे करेंगे करें। तो पल्लवी आपका जो धरती पर आना सामान्य था या आपके पेरेंट्स को कुछ दिक्कतें आई आपके बर्थ के टाइम पे है तो सभी सामान्य ही लेकिन असामान्यता कैसे आती है तो असामान्यता हम ये देखेंगे कि इस धरती पे हम सोल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक है इवॉल्व सोल्स जो काफ़ी जन्म लेके ऑलरेडी आई है बहुत कुछ सीखते हुए आई है और काफी अच्छे लेवल पे मैचर्ड है जिनके पास बहुत सारा आत्मज्ञान है और एक कैटेगरी है सोल्स की कि अभी तक वो स्पिरिचुअल पाथ में कनेक्ट नहीं हुए हैं उतनी लाइव्स शायद उनकी अभी हुई नहीं है उतना आत्मज्ञान इकट्ठा नहीं हुआ है तो बस ये दो कैटेगरी मैं ज़्यादातर अपने दृष्टिकोण में रखती हूँ तो जब इवॉल्व सोल्स नीचे आती है धरती पे आती है तो उनकी एनर्जी जो है काफ़ी हाई होती है और स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि मैं नाइनटीन में आई हूँ तो नाइनटीन में बेसिकली इंडिगो चिल्ड्रन की बैच आई हुई जितने भी लोग हैं तो बेसिकली वो जो आ, बैच है सोल की दर वेरी रिबेलियस और अगर आप थोड़ा मुड़ के भी देखेंगे तो वो टाइम ऐसे था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम था धरती पे जो काफ़ी सारी ओल्ड एनर्जी है अपोजिशन है स्पिरिचुअलिटी के लिए आ, हर चीज़ को रिलीजियसली देखते हैं स्पिरिचुअली नहीं देखते हैं या फिर जो बोल सकते हैं कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वहाँ पे है तो ऐसी बहुत कुछ एनर्जी जब धरती पे थी तब ये इंडिगो चिल्ड्रन की बैच प्लान हुई है नीचे आने के लिए ना वन ऑफ देम तो इंडिगो चिल्ड्रन का बेसिकली बहुत रिबेलियस नेचर रहता है तो वो पुरानी चीजों को तोड़ने में ज्यादा माहिर होते हैं इमिडिएटली फॉलो नहीं करते वो लोगों को सिखाते कि भाई ये सत्य नहीं है इसको फॉलो मत करो तो जब मैंने एक्सपीरिय अभी ये क्लैरिटी मुझे ध्यान के बाद ही आई है लेकिन आई कुड सी कि किस लेवल पे रहा है सोल क्या करते आया है तो ये करते हुए मुझे ये समझ आया कि जब मैं पैदा हुई तो मेरी मॉम को एक्चुअली पूरे दो दिन तक पेन रहा लेबर पेन जबकि बहुत एग्जॉस्टिंग है दो दिन तक लेबर पेन में रहना और डेफिनेटली तब इतनी फैसिलिटीज नहीं थी एक गांव में मेरा जन्म हुआ है और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मेरे जन्म के टाइम पे कि मेरा सिर बहुत बड़ा था तो बेसिकली ये जो स्टार सीड्स भी एक कैटेगरी आती है सोल की उसमें तो ये जो स्टार सीड्स होते हैं इनके सिर बहुत बड़े रहते हैं बहुत अनशेप्ड रहते हैं कोई प्रॉपर शेप नहीं रहता तो ये थोड़े से एलियन टाइप भी दिखते हैं तो ऐसा कुछ रहा है मेरे साथ भी और इसीलिए एक जो मेरी मदर की फिजिकल बॉडी है वो एनर्जी बेयर करने को काफ़ी दिक्कत होती है मतलब ऐसा मोमेंट आता है कि लाइफ डेथ वाला सिचुएशन प्रेगनेंसी के टाइम पे और मैंने खुद देखा ये मेरा ध्यान का अनुभव है कि मैं जब पैदा हो रही हूँ तो मेरे बाजू में पत्री जी है और बुद्ध है कि मैं देख रही हूँ मेरी मॉम मुझे कैसे बर्थ दे रही है मैं अंदर हूँ और पत्री जी है और बुध है तो जब मैं बाहर आने की कोशिश कर रही हूँ तो वो एनर्जी को मेरी मॉम बेयर नहीं कर पा रही है और लाइफ डेथ सिचुएशन जैसे ही आए तो तब उस टाइम पे पत्री जी ने अपना हाथ रखा और फिर मेरा सिर बाहर आते हुए मैंने देखा तो ऐसा ही आ, सेम इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ जब मैंने अपने डॉटर को जन्म दिया क्योंकि वो मेरे से इवॉल्व है तो ये आ, स्टार के केस में ये ऐसे एग्जाम्पल्स रहते हैं बट उनकी एनर्जी अपने मदर का भी केयर उतना ही कर लेते बस इतना है कि मदर को थोड़ा ज्यादा पेन से जाना पड़ता है क्योंकि सोल तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जी जो. कि आ, जैसे आपने बोला कि एक इवॉल्व सोल जब धरती पर जन्म लेती है तो क्या वो एनर्जी अपनी मदर को पहले ही और होने के लिए एनर्जी ट्रांसफर करती है क्योंकि इस, उसकी एनर्जी भी उसके साथ मिली जी, तो वो आने से पहले क्योंकि जीवन भर उसके साथ रहना है उनको जी, तो वो उनको भी पहले से ही इवॉल्व है जी जी वो प्रिपेयर करते हैं हाँ। अभी जैसे मैं अपने केस में बताऊं तो आ, मेरी मदर जो है वेरी गुड आई मास्टर आई लेवल पे है वो सोल मेरे फादर नहीं है मेरे फादर स्टील ही इज लाइक बेबी सोल तो कम से कम पेरेंट में एक सोल उतना इवोल्व होना चाहिए एक अच्छे सोल लेवल पे होना चाहिए तभी ये इवोल्ड सोल्स आ पाते स्पेशली मदर के केस में या दोनों के कम से कम एक ऐसा uh, व्यक्ति होना चाहिए जो उस सोल की एनर्जी को बेयर कर पाए इसका और एक एग्जाम्पल जीसस के टाइम का दूंगी जीसस का भी ये सेम एग्जाम्पल है क्योंकि हम इमेजिन कर सकते हैं जब जीसस आए तो इट वाज वेरी अपोजिशन उस केस उस टाइम पे रिवोल्यूशन लाना तो उनके भी केस में मदर फादर थे और आप देखेंगे कि बाद में फादर बॉडी वैकेट करते हैं अब सोचो कि वो क्या टाइम था तो वो आ, सोल की एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि दोनों अगर सोल को बाहर आना है तो दोनों मदर फादर में से एक को बॉडी वैकेट करनी पड़ेगी क्योंकि उतना एनर्जी बेरेंस भी वो रोल होता है वहां पे देन हिज फादर डिसाइडेड टू वैकेट द बॉडी क्योंकि बच्चे के लिए मदर सबसे ज्यादा जरूरी रहती है तो फिर इसी इसीलिए उनके स्टोरी में बाद में फादर चले गए तो ये आ, काफी वर्क चलता है बैकग्राउंड में प्रिपरेशन भी चलते हैं और कई बार कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं कि नीचे आने के बाद भी कुछ सिचुएशंस बनती है जिसको मुझे लगता है बहुत हाई लेवल पे एस्टर मास्टर सपोर्ट करते हैं जैसे आपके केस में आपने बताया कि पति जी ने जिसको फोर्सफुली आप बाहर निकाला तो चलिए हम आगे चलते हैं पल्वी जी जैसा कि आपका बर्थ हो गया बर्थ होने के बाद आपका रिलेशन कैसा था आपके भाई बहन छोटे हैं कि आपसे बड़े जी है? जी मैं बड़ी हूँ बाकी सभी सिबलिंग्स छोटे हैं और जैसे मैंने कहा कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एज अ गिफ्ट में लेती हूँ बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स देखे हुए थे कि जहाँ पे बहुत कंट्रोल है बहुत डोमिनेशन है कि यही करना है तो इस तरीके का मुझे इन्वॉर्वमेंट नहीं मिला मुझे काफ़ी फ्रीडम दिया हुआ है कि और उनका एक विश्वास रहा है मेरे ऊपर कि ये जो भी करेगी वो सही करेगी तो आ, मैंने भी कभी ऐसे कुछ सोफा डिसएडवांटेज नहीं लिया एक बार बस लिया मैंने इस चीज़ का लेकिन आ, मुझे लगता है वो एक गिफ्ट ही था क्योंकि कई बार आ, हम जब दूसरों के हिसाब से चलते हैं तो अपने सोल पाथ को जल्दी ढूंढ नहीं पाते और ये लॉजिकल माइंड में ही रहते हैं या फिर कंडीशनिंग में रहते हैं बहुत सारी चीजों में फंसे हुए रहते हैं तो मुझे लगता है जो इन्वायमेंट मुझे अपने पेरेंट्स ने दिया वो मेरे के लिए काफी सपोर्टिव रहा बहुत ही अच्छा मुझे खुद को अभी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा बर्थ के साथ ही अनुभव होना शुरू हो जाना तो कि बहुत बढ़िया बात है तो हम आपकी आगे की जर्नी सुनना चाहते हैं कि और कैसे आपका आगे का जीवन निकला देखिए पास्ट लाइफ या जो भी नॉलेज मुझे आया है ये पीएसएसएम में पत्री जी के सानिध्य में आने के बाद ही आ, जब मैं कहूँगी कि इसे सतोरी कहा जाता है इंस्टेंट अवेकनिंग मतलब है उसका तो वो होने के बाद ही जो भी अनुभव है अभी तक उसकी वजह से ये क्लैरिटी है जो मैं आज शेयर कर रही और ये हर एक को उसी इवोल्यूशन में होता है कई बार क्या होता है कि हमें क्लैरिटी उसी समय नहीं आती कभी यूनिट्स आपको हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी नहीं देगा वो टाइम के साथ देगा इसलिए जब भी हम पीछे मुड़कर देखेंगे हमें पता चलेगा अच्छा इस चीज़ की वजह से मेरे साथ ये ये हुआ इसलिए ये चीज आई तो इसलिए इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड कि फ्यूचर में क्या आ सकता है अगर अभी हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो हमें ज़्यादा समझ में आने लगता है इस जर्नी में तो सो फार चाइल्डहुड uh, में मेरा ये रहा है कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स देखी हुई है लाइवली देखी हुई है लेकिन पता नहीं था कि उसको पास्ट लाइफ बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट पता नहीं वो टेक्निकालिटी पता नहीं है लेकिन अनुभव मैं कर रही हूँ जैसे uh, मुझे याद है कि तीन साल की थी मैं तो फ्रेंड्स के साथ uh, कुछ हाइड एंड सिक चल रहा है और मैं किसी नेबर के घर में जाके पीछे उनके कुर्सी के चुम जाती हूँ अब तीन चार साल का बच्चा है वो बैठ बैठ के थोड़ा सा नींद में जा रहा होगा थक गया होगा लेकिन मैं वहाँ पे ही बैठी हुई हूँ और एकदम से मैं ये देख रही हूँ कि मेरे आजू बाजू में पूरा पानी है और मैं तो उस रूम में नहीं हूँ मैं किसी समंदर में हूँ और बाजू में पूरा पानी भरा हुआ है और मैं मुड़ के देखती हूँ तो कोई एक मुझे पुकार रहे हैं मेरी तरफ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि पानी में मत जाओ पानी में मत जाओ तो और वो थे मेरे फादर ये मेरा एक पास लाइफ एक्सपीरियंस जो मैं शेयर कर रही हूँ तो वो मुझे मारिया मारिया करके पुकार रहे हैं फिर वो मुझे उठा के लेके जाते हैं और सीधा मुझे दिखता है कि मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में हूँ और मैं थोड़ी उदास हूँ क्योंकि मदर नहीं है साथ में शायद मदर मदर जो है गुजर जाती है सिर्फ फादर है तो ये विजन मैंने देखा लाइवली और एकदम से इसी ने मुझे पल्लवी कह के पुकारा तो मैं इस लाइफ में आ गई तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट एक्सपीरियंस वेरी लाइवली तीन साल की उम्र में तीन, तीन तीन चार साल शायद तो उसके बाद मैं अपनी मॉम को बोलती थी कि मुझे ना पल्लवी नाम पसंद नहीं है मुझे मारिया कह के बुलाओ और मैंने मॉम से ये भी डिमांड किया था कि मुझे वाइट कलर की एंजल की ड्रेस चाहिए मुझे वही चाहिए तो उन्होंने भी मुझे वो ला दी थी और वो हमेशा बोलती थी कि तू ये बचपन में बोलती जब मैं बड़ी हुई ना तब वो ये बताती थी कि तुझे मारिया नाम बहुत पसंद था तो उसका कनेक्शन ये था कि क्योंकि वो पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुकी थी इसका इफेक्ट और एक था मेरे ऊपर कि जैसे मैं हिंदू फैमिली में हूँ लेकिन मुझे बिंदी लगाना आज भी पसंद नहीं मतलब तब भी नहीं था आज भी नहीं है और नानी बोलती थी या मम्मी बोलती थी कि आपको बिंदी लगानी है तो मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा वो चीज़ तो बहुत सारी चीज़ें हम अलग अलग पास लाइफ से लेके आते हैं जैसे कुछ नेचर भी स्वभाव भी जो होता है कई बार हम वहाँ से लेके आते हैं पसंद नापसंद भी लेके आते हैं या फिर कोई बॉडी पार्ट्स भी लेके आते हैं तो एक बार पत्री जी के साथ ये मेरा अनुभव है कि शायद मैं मेरी ये दूसरी विजिट थी शिरडी शिरडी में थी मैं पत्र जी से मिलने गई थी वहाँ पे महायज्ञ था 2006 का तो मैं पत्रि जी और भी लोग बैठे हुए थे तो सर मुझे कंटिन्यूसली मेरे आँखों में देख रहे थे और मैं भी देख रही थी तो एकदम से सर ने बोला आपकी आँखें बहुत अच्छी है तो मैंने बोला अच्छा तो सर बोले आप अपने वो पास्ट लाइफ से लेके आए तो मैंने उस टाइम पे अपनी एक आम्रपाली जो बुद्ध के समय थी वो पास्ट लाइफ मैंने देख ली थी और वो मेरे अंदर था कि मैं सर से शेयर करूं और उसी टाइम सर मेरी प्रशंसा कर रहे कि आपकी आंखें बहुत अच्छी है और ये आप अपने पास्ट लाइफ से लेके आए फिर मैंने अपना मुंह खोला और मैंने बोला सर ये मैंने पास्ट लाइफ देखी है तो क्या ये सही है तो सर ने बोला हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी आँखें उस लाइफ से आई है तो ये एक और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे पति जी के साथ अगर हम लाइफ की बात कर रहे हैं तो रहा है तो इस तरीके से हम हो सकता है बाल आग कोई भी बॉडी पार्ट भी हम सेम डिजाइन करते हैं इस लाइफ में किसी पास्ट लाइफ का या फिर कुछ हैबिट्स भी पास्ट लाइफ से भी आती है बलवी जी ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि हम अपनी पास्ट लाइफ से कभी कभी कुछ अपनी बॉडी के पार्ट्स या हैबिट्स लेकर आते हैं इसके पीछे का राज क्या है कि हमें उस उस टाइम टाइम पे वो बहुत पसंद होती हैं हम लाइफ में भी उसको छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए उसको कैरी करते हैं साथ ये मेरी उत्सुकता है इसको की जी, के लिए। जी आ, ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत वैलिड है इसके ये दोनों रीजन एक है कि देखो हम अपनी रचना खुद कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक की मेरा घर है या मेरा किचन है चलो औरतों के लिए किचन है अभी क्या है कि हम शादी के बाद कहो या फिर एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद कहो कि हम ना इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि घर में जो भी अवेलेबल है ना उसमें खाना बना लेते हैं ये मुझे लगता है हर मदर में हर औरत में आ जाता है कि हम पहले हो सकता है कि नए नए जब दुल्हन होती हो बोलेगी ये नहीं है वो नहीं है इसलिए अच्छा खाना नहीं बना लेकिन कुछ समय के बाद वो जो भी अवेलेबल है उसमें बढ़िया खाना बना लेती समझ रहे आप तो ये सेम अप्लाई होता है सोल लेवल पे कि एक होता है कि पहले जो लाइव्स लेते हैं हम हम बहुत बॉडी में क्रिएशन करना चाहते हैं बहुत खूबसूरत दिखना चाहते हैं कुछ लाइव्स में तो ये हमें ये नहीं है हमें वो नहीं है ये ढूंढने के लिए हम अलग अलग एस्ट्रल वर्ल्ड्स में भी ढूंढते हैं कि हमें कहाँ से क्या नया क्रिएशन मिले या फिर हम खुद उसको क्रिएट करें तो इस तरीके से वो कॉम्बिनेशन चलता है एक के आ, कुछ लाइफ्स के बाद जब हम एक्सपर्ट बन जाते हैं तो जो अवेलेबल है उससे ही क्रिएट करना सीखते हैं मैं क्यों कहाँ पे जाके एनर्जी और अपनी लगाऊं तो उसी तरीके से अगर मैं सोचूं कि हाँ मुझे ना उसी पास लाइफ से अपनी आंखें लेंगे समझ रहे आप क्योंकि अभी मैं एक्सपर्ट हूँ तो अभी जो मैंने ऑलरेडी इकट्ठा किया है अपने किचन में ऑलरेडी जो अवेलेबल है उससे उसी मैं क्रिएशन हाँ तो इट इज नॉट ऑल द टाइम क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट तो ये क्वेश्चन ऑफ अटैचमेंट नहीं है ये क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन है कि अभी मेरी एक लेबोरेटरी है कि मैंने इतने लाइव्स लिए हैं चलो भाई इससे क्या बनेगा क्या ये अच्छा लगेगा चलो ये ऐसे नहीं कि मैंने ये आंखें फाइनल करने से पहले बहुत सारी आंखें लगाई होंगी समझ रहे आप तो ये क्रिएशन सोल करता है लेकिन सो फार अटैचमेंट बॉडी से सोल नहीं रखता वो क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखता है क्योंकि देखो अब इस लाइफ में आ गया हमें क्या पता है कि किस लाइफ से हम क्या लेके गए पता चलेगा तो ठीक है लेकिन नहीं पता है तो हमें नहीं पता है राइट right? लेकिन क्रिएशन तो सोल ने उस बेसिस पे ही किया हुआ है इसलिए अटैचमेंट हमारी बॉडी uh, पे उस लेवल पे सोल लेवल पे नहीं रहती है सोल उसको क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखता है पल्लवी जी जैसा कि एक छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा कनिंग भी होता है अभी उसके पास उतना में छोटी लेवल उसको समझ नहीं आती है वो कुछ भी काम करता है चाहे वो किसी चीज को उठा लेता है या किसी को मार देता है उसका कुछ भी रिएक्शन होते हैं तो क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आई जिससे आपने कोई और नया लेसन सीखा मुझे लगता है एज अ चाइल्ड जो फेज़ है हमारा चाइल्डहुड का हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि जैसे हम तो बच्चों को एक भगवान का रूप मानते हैं तो उस लेवल पे चीज़ें काफ़ी uh, जल्दी सीखते हैं और बहुत अंदर से सीखते हैं uh, मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं बट उनमें से एक मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक अच्छी बात जो हिंदू फैमिलीज़ में मैंने देखी है कि हम हमें कर्म क्या है ये पहले से पता होते हैं। हमें बोला जाता है कि भाई अच्छे कर्म करो पैर धो के घर में आओ चप्पल बाहर निकाल के आओ एक तरीके का अलग डिसिप्लिन भी आ, सिखाया जाता है उनके पीछे साइंटिफिक स्पिरिचुअल रीजन्स भी है तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं कुछ पाँच छः साल की थी तो तब एक समर वैकेशन में मैं अपने बुआ के पास गई थी और उस टाइम पे शायद बहुत बारबी की डॉल्स भी आती थी और बहुत रेयर थी अभी मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग हूँ तो मेरे लिए एक बारबी डॉल मिलना काफ़ी बड़ी चीज़ थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं मांगे कि पता नहीं मेरे पापा अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं तो ये सोचते मैंने कभी उसके साथ खेलने की डिजायर नहीं रखी लेकिन डिज़ायर होती है हमेशा जब हम फिज़िकल वर्ल्ड देखते हैं तो एक बार बुआ के घर उनकी फ्रेंड की बेटी आई और उसके पास वो बार भी डॉल थी तो हमने बहुत खेला उसके और मुझे इतनी पसंद आई कि मुझे उसके जूते बहुत प्यारे लगे और मैंने उसके जूते चुरा लिए तो फिर बाद में वो अपने घर चली गई और मैंने जब जूते चुराए अपने हाथ में रख के मैं एक पलंग के नीचे छुप गई एक घंटा दो घंटा चार घंटे में सिर्फ पलंग के नीचे रही क्यों क्योंकि मेरे अंदर आ गया मैंने चुरा तो लिया लेकिन चुराने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मेरे अंदर गिल्ट आ गया था और वो गिल्ट के कारण मैं सोच रही थी कि मैं कैसे अपना मुंह किसको दिखाऊं कि मैंने चोरी की है मैंने तो ये पाप कर दिया है तो वो चार घंटे में सोचती रही कि अब ये पाप हो गया है इसको कैसे बदलू तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था फिर हुआ क्या कि चार घंटे बाद वही लड़की वापस आई और बोली कि शायद मेरी डॉल के जूते यहाँ रह गए तो चलो देखते हैं तो सभी लोग घर में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए इसके जूते और फिर ढूंढते ढूंढते उन्होंने मुझे पलंग के नीचे देख लिया और मैं एकदम पसीना पसीने से लथपथ एक डरी सी लड़की तब मैंने सोचा कि भाई अपनी चोरी तो पकड़ी गई है तो मैंने हाथ खोल के दिखाया कि देखिए मैंने ही चुराया है लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर दैट वॉज अ मोमेंट कि मुझे अच्छा लग रहा है गिल्ड भी चल रहा है लेकिन मुझे रास्ता मिल गया कि भाई अपनी गलती को स्वीकार कर लो कि अभी आप फंस गए हो तो उसको मान लो तभी आप इससे बाहर आ सकते हो तो मैंने बुआ को भी सॉरी बोला उस लड़के को भी सॉरी बोला कि मैंने ना इसकी चोरी की मुझे ये बहुत पसंद आ गए थे तो हुआ ये कि उस लड़की ने भी हंसा बोली अरे कोई बात नहीं तू मुझे बोलती तो मैं तुझे दे देती चल तू ही रख ले इसको तो मैं और खुश होगी कि मुझे ये समझ आया कि अगर हम गलती को बोल देते हैं अगर गलती भी की है तो उसका फल भी अच्छा ही मिलता है अगर मैं मांगती तब भी मिल जाते और अगर मैंने चुरा लिया और गलती मान ली तब भी मिल गए तो वहां पे मुझे लगता है कार्मिक लेसन मुझे समझ आया था कि मेरे लिए अच्छा रहना ही सही है अगर मैं कुछ बुरा करती हूँ तो शायद मैं खुद को ज्यादा दुख में पाऊंगी या ज्यादा गिल्ट में पाऊंगी और मैं शायद नहीं रह सकती उसमें तो मुझे ये समझ आ गया कि इसके बाद चोरी नहीं करनी इसके बाद कुछ भी करो मेरे लिए अच्छा करना ही अच्छा है सो दैट वॉज अ बिग लेसन आई लर्न दैट टाइम पल्वी जी कितना अच्छा लेसन है इसके अंदर से कि वो हम आज की डेट में भी समझ सकते हैं इसको कि अगर हम कुछ गलत काम करते हैं कुछ गलती हो गई जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो कितनी आसानी से जो भी चाहे हमारे अंदर स्ट्रेस है या गिल्ट है वो कितनी आसानी से वॉश आउट हो जाता है और हमें आगे जाने का आसानी से रास्ता मिलता है और लेसन तो मिलता ही है तो पल्वी जी अभी हम आपसे जानना चाहते हैं आगे की और जर्नी क्या और आगे आप बढ़ते बढ़ते आपने पढ़ाई शुरू करी आप पढ़ाई में कैसे थे आपकी टीन में आपके और क्या क्या अनुभव आए क्या क्या चैलेंजेस आए मैं दोनों ही जानना चाहूँगी चैलेंज मेरा खुद के साथ यही रहा कि मुझे बुराई इस दुनिया में समझ नहीं आती थी ये ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने फेस किया है काफ़ी लंबे टाइम तक कि कुछ लोग मेरे साथ बुरा करके जाते तो मुझे हर्ट होता था और ये समझ नहीं आता कि करते क्यों है।, तो मतलब तो है या पीठ पीछे कुछ करते हैं तो वो मुझे समझ नहीं आता था काफी समय तक और मैं किसी के पास भी जाऊंगी तो मैं उसको अच्छा ही देखूंगी तो होता क्या है कि सिर्फ आप अच्छा ही देखें तो भी बुराई हो जाती है आपके साथ क्योंकि ये मैंने ध्यान में आने के बाद सीखा है ट्रूली टू से नहीं तो तब तक मैं इस दिक्कत से काफ़ी स्ट्रगलिंग थी कि मुझे बुरे लोगों के इंटेंशन समझ नहीं आते थे मैं अगर अभी होता है कि कोई बुरा दिखाता नहीं है लेकिन अंदर होता है लेकिन कृत्य वो अच्छा ही दिखाएगा तो मैं जो वो अच्छा कर रहा है उसको ही देखती थी उसके इंटेंशन मुझे कभी समझ नहीं आते थे तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी स्ट्रगलिंग किया हुआ है चाइल्डहुड में या फिर इवन इन द अडल्ट एज तो स्टिल आई रिमेंबर कि उस टाइम पे ऐसा कुछ होता था तो मैं भगवान को याद करती थी और मुझे लगता है सभी बच्चे करते हैं एक एज में और टील आई रिश टू टीन एज बारह तेरह की एज में जाने तक मेरी काफ़ी अच्छी जर्नी रही है कि जो भी कॉलिंग मैंने दी है तो मुझे इमिडिएट उसका आंसर मिलता था जैसे मैंने कहा कि छोटी छोटी दिक्कतें हैं तो मैं भगवान से बात करती थी तो जैसे मेरे घर में आ, मेरी मॉम पूजा पाठ का माहौल रखा था उसने उसकी काफ़ी श्रद्धा रही है अलग अलग संतों पर तो वो संतों पर मेरी भी काफ़ी श्रद्धा रही है तो मैं उनसे बात करती थी कोई चीज़ नहीं मिल रही मैंने उसके लिए कोशिश की है नहीं मिल रही तो मैं उनसे शेयर करती थी और मुझे वो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती थी तो मुझे उस टाइम पे लगता था कि यही मेरी पावर है कि भगवान मेरे साथ है तो मैंने ये काफी एक्सपेरिमेंट्स उस टाइम पे किए हुए हैं और जवाब भी मुझे आसानी से मिल जाते थे तो जैसे हमें टेलीपैथिक मैसेज कहो आप या फिर स्पिरिट गाइड से बात करना ये कॉन्सेप्ट अभी समझ आते हैं लेकिन उस टाइम वो अनुभव से देखा हुआ है आपने उसका आनंद लिया था हाँ आनंद लिया हुआ। मजे मजे में बात टेक्निकलिटी का कुछ लेना देना नहीं है लेकिन जो मांग रहे हैं जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है समझ आ रहा है और मिल भी रहा है सो आई यूट टू बी वेरी हैप्पी विद डैट तो मुझे जो चीज़ है फिर वो स्ट्रगल एज स्ट्रगल नहीं लगती थी वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाती थी आप गेम खेलते थे गेम था। <laughs> लेकिन मैंने फिर ये देखा कि जैसे ही मैं टीन में गई बारह तेरह साल के आयु के बाद ये जो मेरा भगवान के साथ कनेक्शन है वो टूटता गया डिस्टेंस उसमें आता गया और उसके रीजन आज हमें पता है कि हमारी थॉट प्रोसेस जो है ज्यादा हो जाती है टीनज में हम एक अलग एनर्जी में पहुँच जाते हैं कन्फ्यूजन होता है लॉजिकल माइंड आता है बहुत कुछ तो वो एक पीरियड होता है जहाँ पर ये कनेक्शन वीक हो जाता है या डिसकनेक्ट भी हो जाते हैं तो एक पॉइंट पे फिर मैं जब टेंथ स्टैंडर्ड में आई तो वो पूरा डिस्कनेक्ट हो गया तब मैं ऐसी बन गई जैसे हम कहेंगे कि नास्तिक कि मैंने सब भगवान छोड़ दिए कि आ, मैंने टेंथ में टॉप नहीं किया तो मैंने सरस्वती माँ के जो पोस्टर लगाए थे वो फाड़ दिए और मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं भगवान को नहीं मानूंगी मैं भगवान को ढूंढूंगी अगर वो है तो एक प्रकार से मेरी मोम ने मुझे डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नास्तिक बन गई बहुत आस्तिक थी, थी अब ये नास्तिक बन गई है तो मैं सच में नास्तिक बन गई मैंने मंदिर में जाना बंद कर दिया था मेरी एक ओपन कॉलिंग हो गई थी कि मैं भगवान आपको ढूंढूंगी अगर आप सच में है तो इस तरीके की आ, मुझे लगता है वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है मेरी वहाँ से स्टार्ट हुई कि आ, शायद भगवान ने भी सोचा होगा कि भाई अब टेस्ट किया जाए तो मैं काफ़ी टेंथ से लेकर ट्वेल्थ तक काफ़ी मेरा ये दो तीन साल का इतना स्ट्रगलिंग रहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ कहाँ जा रही है क्यों जा रही है और साथ ही साथ में मैं अपने साइकिक एबिलिटीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ जैसे कि क्लियर वॉइंट है तो मुझे कुछ चीज़ें घटने से पहले पता चल रही है किसी के बारे में कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं वो सच हो रहे हैं तो लेकिन नहीं पता कि ये अगर एबिलिटी आपके पास है तो इसको कैसे अप्लाई करें कैसे दूसरों की मदद करें तो फिर मैं ढूंढने लगी कि भगवान है क्या लाइफ है क्या तो अंदर फिर वो पैदा हो गया कि मैं ना ये करने नहीं आई हूँ मैं लोग के जैसे टॉप करूँ फिर पढ़ाई करूँ फिर सिर्फ पैसे कमाऊँ तो ये तो हर बंदा कर रहा है ये मैं कर भी लूंगी लेकिन ये नहीं है मेरे लिए कुछ और है वो क्या है नहीं पता तो आई स्ट्रगल थ्री जैसे uh, 16, 17, 18, ये तीन साल मेरे uh, सबसे हार्ड रहे हैं फिर आप उसको शनि का काल कह लो एक, एक तरीके से जो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पेनफुल रहा है कि जहां पे कुछ समझ नहीं आ रहा लेकिन सोल ने हार नहीं मानी बस उसको रास्ता नहीं पता तो मेरी इनर कॉलिंग इतनी स्ट्रांग हो गई कि मुझे कोई चाहिए वो गुरु होता है वो भी नहीं पता लेकिन मुझे कोई चाहिए तो मैं उस समय पे आ, हमारे यहाँ पे ज्ञानेश्वरी के पाठ करने के लिए एक एक पीरियड में सप्ताह लगते थे इक्कीस इक्कीस दिन अलग अलग गुरु आके पाठ करते थे तो मैं ना ऐसे पाठ सुनने के लिए जाती थी और मेरा इंटेंशन रहता था कि मुझे पर्सनली मिलना है और उनसे क्वेश्चंस पूछने तो अलग अलग ऑरेंज क्लॉथ में कुछ हिमालय से आए हुए ऐसे अलग अलग योगियों से मैं उन तीन साल के पीरियड में मिली आ, पूछना चाह कि क्या साधना करते हैं आप आंखें बंद के आंखें बंद करके क्या क्या करते हैं जीवन क्या होता है इसके बाद क्या होता है कैसे आते हैं हम तो ऐसे मेरे प्रश्न रहते थे कि लेकिन किसी ने मुझे जवाब नहीं दिए उन्होंने सिर्फ कहा कि अभी आप बच्चे हो आ, आप ये योगियों का काम है इसके लिए साधना है आप एक एज आने के बाद सन्यास लो तो इस तरीके से आंसर मिले जहाँ पे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी फिर मैंने सोचा कि शायद इन लोगों को ही ना पता ये सोचते सोचते फिर भी गई फिर मेरे अंदर एक इंटेंशन बहुत स्ट्रांग हो गया कि मुझे छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए ये छोटे छोटे आंसर भी नहीं चाहिए मुझे बड़ा आंसर चाहिए जो मेरे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है कि मेरा एग्जिस्टेंस है क्या मैं यहाँ पे क्यों हूं तो ये कॉलिंग मुझे बहुत ज्यादा हो गई और इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं बहुत आ, उत्सुक।, उत्सुक थी और परेशान भी परेशान थी मैं क्योंकि माँ बोलती थी अरे तेरा शनि पीरियड चल रहा है जाके तेल लगाओ तेल चढ़ाओ बहुत कुछ मैंने भी उस काल में किया आ, ये सब चीज़ें मैंने भी करी लेकिन वहाँ पे कुछ मिला नहीं तो समझ आया कि यहाँ पे नहीं है कुछ मेरी आवाज़ वहाँ पहुँच नहीं रही है या फिर वो एग्जिस्ट नहीं है तो मेरा एग्जिस्टेंस क्या है ये मुझे समझ आ गया कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई है तो दे दे तो इस प्रकार से ये अंदर जो इंटरनल एक स्ट्रगल है वो चलती रही उस तीन साल में और इसी स्ट्रगल में मुझे पत्री जी मिल गए और मेरी ये स्ट्रगल खत्म हुई क्योंकि जब मैं पहली बार पत्र जी से मिली तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर ये मिल गया कि यही वो इंसान है जिसके लिए मैं ढूंढ रही हूँ यही गुरु है जो मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं तो पलवी जी इसी की रिगार्डिंग मैं आपसे बात करती हूँ कि आप थोड़ी सी चाहे स्टोरी सुनाइए हमें कि आपको पति जी मिले कैसे Uh, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो उस पीरियड में आई थिंक आई वाज नाइनटीन ईयर ओल्ड टू थाउजेंड सिक्स में पत्री जी से मिली और मैंने जनवरी टू थाउजेंड सिक्स में चेन्नई में अपने एजुकेशन uh, मेरे कोर्स को शिफ्ट किया था तो वहाँ पर मेरी जो रूममेट थी उसकी मदर पिरामिड मास्टर थी तो हमने सोचा चलो हम उसके घर जाते हैं तो हम उसके घर जाने के बाद उनकी मदर ने हमें स्पिरिचुअल रियलिटी दिखाई ये सोच के कि बच्चों को ध्यान करना चाहिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है इतने सारे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है तो ये आपको कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगा ये सोच के उन्होंने हमें वो सीढ़ी दिखाई और कहीं ना कहीं पे वो जो सीढ़ी थी वो मेरे लिए ही थी और मैं वो करीबन एक घंटे का वो वीडियो है वो देखते देखते मैं उसमें खो गई और खत्म होने के बाद बस लगा कि काश ये पॉसिबल हो क्योंकि अभी एक सोशल कंडीशनिंग है कि भाई ये तो योगी लोगों के लिए है हम जैसे लोग कहाँ क्या इसको पाएंगे लेकिन अंदर से आया काश ये पॉसिबल हो तो बस ये सीडी देखने के बाद कुछ ध्यान वगैरह तो नहीं किया लेकिन समझ में आ गया था कि ध्यान ऐसे करते फिर करीबन चार महीने बीते वो सीढ़ी देखने के बाद और ये जो मेरे अंदर जो चल रहा था कुछ समझ ना आने वाला फेज वो एक पिक लेवल पे पहुंच गया कि जहां पे मुझे लगा कि अब अब खत्म है सब अभी मुझे जवाब चाहिए बह, बहुत क्लियर हो गया क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हमारे जिंदगी में आते हैं कि वो आपको इतने परेशान करते हैं कि आपको उसका जवाब ढूंढना ही पड़ता है तो एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं इतनी बेचैन हूँ उसके क्वेश्चन मेरे ही रिलेटेड ढूंढने के लिए तो क्या ध्यान मुझे मदद कर सकता है क्या ध्यान रास्ता हो सकता है ये एक एक थॉट दिन आया रात में तो मैंने सो, मैंने सोचा कि यार किया तो जा सकता है क्योंकि उसी टाइम में करीबन एक महीने से ओशो के मैगजीन हमें रेलवे स्टेशन पे मिलते थे तो ओशो के आर्टिकल्स पढ़ के मैं काफी इम्प्रेस थी तो मैंने देखा कि ओशो के हर आर्टिकल में एक वर्ड बहुत कॉमन था वो था ध्यान मैंने सोचा कि इसने ध्यान के बारे में हर आर्टिकल में बोला है ओशो ने लेकिन ध्यान है क्या ये क्यों नहीं बोला तो फिर एकदम से याद आया कि अरे मैंने चार महीने पहले देखा तो था वो तो ध्यान ही था तो क्या वो करने से मुझे जवाब मिलेंगे तो ये जो एक थाट मुझे डेफिनेटली मेरे स्पिरिट गाइड ने भेजा होगा और मैं उस दिन फिर ध्यान करने बैठी और करीबन 19-20 मिनट ध्यान किया मैंने और बहुत कुछ सत्य अपने बारे में मैंने रियलाइज करे कि रोज हम आंखें बंद करते हैं रोज बैठते हैं या सोते हैं लेकिन खुद के भीतर अभी भी नहीं झाके लेकिन ध्यान में बैठती ही ऐसा क्या अलग हो गया जो खुद के अंदर झांकना चालू कर दिया इट्स अ मैजिक मेडिटेशन इज मैजिक सिर्फ आग बंद करने से ध्यान में नहीं जाते हैं ध्यान में बैठने से वो मैजिक स्टार्ट होता है तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि ये तो मैंने देखा ही नहीं कि अंदर मैं इतनी सोचती हूँ इतने सारे थॉट्स से गहरी हुई हूँ तो फिर चलते चलते मुझे ये समझ आया कि भाई सब परेशानी की जड़ तो ये है इतने सारे थॉट में मुझे मार्ग कैसे मिलेगा इसको शांत करना पड़ेगा फिर मैंने सोचा चलो कितना शांत होता है देखते हैं श्वास के साथ रहते है, रहते है। फिर आगे बढ़ती गई बढ़ती गई फिर एक मोमेंट आया जहाँ पे पूरा शांत हो गया हार्डली दो तीन मिनट का समय होगा उसमें तो पूरी शून्यता आई और मैंने देखा कि मेरा जो एस्ट्रल बॉडी है अभी पता है कि वो एस्ट्रल बॉडी है लेकिन सोल बॉडी से बाहर आके सामने बैठा है और वो शरीर को देख रहा है तो इट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कि मैं ही खुद को देख रही हूँ मतलब मैं क्या हूँ कि इस सोल शरीर से बाहर आगते इतना लाइवली आग, आगे बैठ के उसे देख रहा है कि मैं ध्यान में हूँ तो आई सॉ दैट ट्रूथ कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी आई एम नॉट द बॉडी तो बस वो एक एक्सपीरियंस और मैंने जब ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ तब क्वेश्चन आया कि ये है क्या तब जवाब मिला कि यही तो मेरी आत्मा है तो वो एक्सपीरियंस करते ही मैंने आंखें खोल दी और मैंने देखा ये क्या हो गया मेरे साथ मैं ही हूँ जो ये हूँ और मैं ही हूँ जो बाहर हूँ ये क्या था अब समझ तो आ गया कि वो आत्मा थी कि लेकिन ये हो कैसे सकता है फिर मैंने अपने एक एक्सपीरियंस को भी रिकॉल किया कि ये तो मुझे बचपन में भी हुआ था जो मुझे एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तब ऑपरेशन चल रहा था तो मैं अपने शरीर से बाहर आके वो टेबल पे बैठ के देख रही हूँ कि मेरा ऑपरेशन कैसे हो रहा है तो देन आई कैन रिकॉल कि ये ध्यान में हुआ लेकिन बचपन में भी एक बार ऐसे मेमोरी में है मेरे फिर वो इंटरेस्ट जागा कि अरे इसमें कुछ दम है तो फिर मैं ऐसे ही रोज़ बीस मिनट आधा घंटा ऐसे एक महीना मैंने रेगुलरली मेडिटेशन करना चालू किया और उसके बाद मुझे एक पिरामिड मास्टर चेन्नई से है जिनका नाम है वंशी वो मुझे मिले और फिर उन्होंने मुझे पी एस एस एम और उन्होंने ही मुझे से मिलवाया। तो पल्वी जी, कितना सुंदर अनुभव आपकी यात्रा पति जी के पास पहुंचने तक के तो पत्री जी के पास पहुंचने के बाद आपका आगे का जीवन कैसा रहा पत्री जी के साथ तो बहुत सारे अनुभव है लेकिन पत्रीजी के साथ की पहली मीटिंग या फिर दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरु की पहचान हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार लोग बहुत सारे गुरुओं के पास भी जाते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते या फिर उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने गुरु को कैसे ढूंढें अब मैं अपने अनुभव से बोल सकती हूँ अगर बहुत सारे लोग रिलेट करें कि गुरु एक ऐसी ऊर्जा है या फिर मेरे जीवन में पत्री जी एक ऐसी ऊर्जा है जिनकी ऊर्जा में जाते ही हमें पता लग ही जाता है जब जब हम मन से सोचेंगे क्योंकि देखो मन का काम है लॉजिकल रीजनिंग को पैदा करना उसका काम ही है वो और वो सही तरीके से हो रहा है लेकिन जब तक हम किसी के एनर्जी को फील नहीं करेंगे वो फील करने के लिए खुद को ओपन नहीं रखेंगे तो हम गुरु को पहचान नहीं पाएंगे अभी जैसे पहले दिन जब मैं ध्यान में आने के बाद एक महीने तक तो मैं खुद ही ध्यान करती रही लेकिन एक महीने के बाद जब मैं वंशी से मिली तो उसी टाइम नेक्स्ट मंथ पत्री जी का वहाँ पे एक इवेंट था और उस दिन मॉर्निंग में एकदम रेडी होके जो एक ऊर्जा मेरे अंदर आई मुझे ऐसे लगा कि आज मुझे बहुत बड़ी चीज़ मिलने वाली है उस ऊर्जा को मैं फील करने वाली थी अब नहीं पता कि पथरी जी है क्या क्या करेंगे क्या कुछ भी नहीं था दिमाग में लेकिन बस एक इंट्यूशन जो मुझे खींचे जा रही थी कि मुझे आज कुछ बड़ा मिलने वाला है तो ये से ही मैं बहुत एक्साइटेड थी मैं उस इवेंट में पहुंची ऑडिटोरियम में थी और इवेंट ऑलरेडी चालू हो गया था तो जैसे ही मैंने ऑडिटोरियम में कदम रखा सबसे पहली आवाज़ मेरे पथरी जी की मेरे कानों पर पड़ी कि वी आर ऑल गॉड्स और वो सुनते ही मैं शौक गई कि ये ऐसे तो कभी मैंने नहीं सुना कि कोई बोल रहा है कि यू आर ए गॉड तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था कि मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि कोई बोल रहा है कि आप ही भगवान हो क्योंकि अभी तक तो ये सुना है कि भगवान तो कोई और है तो वो सुनते सुनते ही मैं अपने एक चेयर पकड़ के बैठ के सुनने लगी और सर का वो सेशन अटेंड किया और बीच में एक इंटरवल उन्होंने ब्रेक दिया फिर मेरे फ्रेंड ने मुझे लेके जाके बोले कि चलो मैं पत्री जी से पर्सनली मिलवाता हूँ तो मैं सोचने लगी कि यार ये तो बहुत बड़े गुरु है पता नहीं कैसे बात करनी चाहिए बट फिर भी गई क्योंकि जाने की एक्साइटमेंट थी मैं गई पत्री जी ऐसे सोफे पे लेटे हुए थे और फिर उसने इंट्रोड्यूस किया कि इसका नाम पल्लवी है ये यहाँ पे पढ़ने आई है वगैरह और सर ने एकदम ऐसे मुड़ के मेरी तरफ़ देखा और आंखों में दो मिनट तक देखने लगे तो मैंने सोचा अब आंखें चुरानी नहीं चाहिए गुरु देख रहा है तो मैं भी फिर सर के आँखों में दो मिनट तक देखती रही लेकिन उस दो मिनट में मुझे सिर्फ अंदर से मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया और मेरे अंदर से बस एक आवाज़ आई कि यही मेरे गुरु है मैं इनके लिए ही ढूंढ रही हूँ बस ये क्लैरिटी मुझे उस दो मिनट में आई और फिर सर ने बोला पूछो क्या पूछना है मैंने सोचा अब पता नहीं कैसे बात करते हैं बट पूछा है तो कुछ पूछना चाहिए तो मैंने सोचा सर आई वॉन्ट टू फाइंड माई सेल्फ तो सर बोले हाँ सभी ने देखो इन लोगों ने सबने खुद को ढूंढा है तो यू विल ऑल्सो फाइंड योर सेल्फ तो मैंने बोला अच्छा ये पॉसिबल है तो सर बोले हाँ तो फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि सर वट इज लॉफ कर्मा तो सर बोले इट्स इजी इफ यू डू गुड यू गेट गुड दैट लॉफ कर्मा तो अगर आप ध्यान करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आए और अच्छे कर्म करोगे और शुद्धता से पाओगे तो उस तरीके से आपको यूनिवर्स देगा तो बस ये इतना बात मैंने उस टाइम पे पत्री जी से किया और इवेंट ख़त्म हो गया और सब सर सर सबसे मिलते थे ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे जर्नी में कि कोई इंसान उनके इवेंट पे आया हो और बोला हो कि मैं पत्री जी से नहीं मिला दैट वॉज द स्पेशलिटी ऑफ पत्री जी बींग सच अ गुरु कि वो सबसे मिलते थे तो मैं मिली और सर खड़े थे जब हम जा रहे थे तो सर ने खुद से हाथ आगे करके से दिया मैं थोड़ा डर डर के जा रही थी और उन्होंने फिर से स्माइल करके बोला कि डोंट वरी यू विल फाइंड योर सेल्फ तो मैंने बोला ठीक है सर तो उस दिन के बाद आज तक माई लाइफ इज लाइक रोलर कोस्टर कि कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसको फेस करते हैं क्योंकि गुरु मिलने के बाद आपको कभी अकेला नहीं लगेगा आपके लाइफ में मोमेंट्स जरूर आएंगे ऐसे आ, बहुत चैलेंजेस आएंगे दुख आएगा बहुत पेन भी आएगा लेकिन पत्री जी हमेशा मेरे साथ में थे है रहेंगे तो ऐसा फील अगर आपको किसी के सानिध्य में जाके मिलता है तो वही आपके गुरु है पल्लवी जी कितनी अच्छी चीज आपने बतली जो आपके शब्दों में जो आपने बताया हमें कि एक गुरु को पहचानने के लिए गुरु हम ढूंढ नहीं सकते गुरु भी हमारे सामने हमें ढूंढने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं पर हम कैसे उसको समझ पाते हैं कि जैसे आपको शुरू में ही उनसे मिलने से पहले ही एक अनुभूति आनंद की अनुभूति ऊर्जा से भरे हुए थे आप जी तो ये जो उल्लास है यही हमें बताता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं वही हमारे जीवन में आगे हमारा गुरु है और हमारा मार्गदर्शक है सबसे बड़े जो पत्री जी बोलते हैं कि मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ आपको आगे बढ़ाने के लिए हम मानते हैं उनको अपना गुरु बट पत्री जी हमेशा हमें हमारे स्वासों को ही गुरु बताते रहे बट बत एक अच्छा मार्गदर्शक जो हमें हमारी अवस्था तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि सबसे बड़ी ही यही है कि हमारे अंदर उससे एक आनंद की अनुभूति उल्लास उनसे मिलने की चाहत बनी बने जैसे है। स्कूल में कोई क्लास टीचर होता है ना वो जिम्मेदारी लेता है उन बच्चों की उनके ए टू जेड एक्टिविटीज़ का नोट करने की उनका प्रोग्रेस देखने की तो वैसे ही जितने भी गुरुज इस धरती पे आए हैं वो अपने ग्रुप्स को लेके आए कि भाई मेरा काम है इनका ध्यान रखना तो पत्री जी इज़ माई क्लास टीचर ठीक है क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आएंगे जाएंगे वो हमें हर एक से सीखना है तो इसीलिए तो क्लास टीचर नहीं बोलता कि भाई मेरा ही सब्जेक्ट पढ़ो आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है और यही पत्री जी ने हमें दिया कि हर हर गुरु से आपको सीखना है हर व्यक्ति से सीखना है क्योंकि पीएसएसएम जो है गुरुओं का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मैं शिष्य नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे मैं गुरु बना रहा हूं तो आप सोचिए अगर एक व्यक्ति गुरुओं की शाखा बना सकता है तो वो किस लेवल का गुरु होना चाहिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आई थिंक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑन अर्थ जो पत्री जी ने लाई कि उन्होंने शिष्यों को पैदा नहीं करा उन्होंने गुरुओं को पैदा किया सभी गुरु हैं yes. सभी भगवान हैं yes. यस ये बहुत अच्छी बात है पलवी जी एक और हम इम्पोर्टेंट चीज आपसे जानना चाहते हैं क्या आप बचपन से वेजिटेरियन थी कि या नॉन वेजिटेरियन थी इंटरेस्टिंग uh, क्वेश्चन है क्योंकि मैं एक बहुत कोर नॉन वेजिटेरियन रही हूँ जो ध्यान में आने के बाद स्पेशली पी में आने के बाद आ, मैं शाकाहारी बनी हूँ और उसकी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है मेरी जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल रियलिटी देखने के बाद जो मैंने अपने आप ही ध्यान चालू किया और एक महीने तक मैं खुद से ही करती रही उसको पहले दस दिन ध्यान करने के बाद मेरे साथ क्या होता था कि आ, जैसे मेरी पूरी फैमिली नॉन वेजिटेरियन थी तो हफ्ते में कम से कम दो या तीन बार नॉनवेज खाना ही है ऐसी आदत लगी हुई थी तो कई बार जब मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ भी नहीं आते थे तो मैं अकेले जा होटल में खाती थी तो वैसे ही मैं ध्यान कर रही हूँ अब ये कभी सोचा नहीं कि भाई नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए अभी जैसे मेरे चाइल्डहुड में ब्राह्मीण फ्रेंड्स रहते थे तो ये बोलते थे कि तुझे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए तो मैं बहुत आर्ग्यूमेंट्स करती थी, थी कि सब खाते हैं क्यों नहीं खाना चाहिए तो उनके आंसर थोड़े मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं थे और और एक चीज़ होती है नॉन वेजिटेरियंस में वो बहुत आर्गुमेंटिव होते हैं वो कभी इस चीज़ को इमिडिएटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं खाना चाहिए वो आपको काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो मैं भी करती थी मेरे अंदर भी वो जो नॉनवेज की जो नेगेटिव एनर्जी थी वो इस तरीके से बिहेव कराती थी तो जब मैंने ध्यान करना चालू किया ध्यान पसंद आने लगा अपना टाइम बढ़ने लगा मैं अपने दुनिया में मग्न रहने लगी तो दस दिन के बाद ऐसे ही मैं नॉनवेज खाने गई ऑर्डर किया अकेली थी और खाना खाना चालू किया और जैसे ही मैं खा रही हूँ मुझे किसी की रोने की आवाज़ आ रही है तो मैंने एक बार दो बार तीन बार इग्नोर किया मुझे लगा कुछ वहम हो रहा होगा कोई बाजू में रो रहा होगा लेकिन जैसे जैसे मैं खा रही हूँ वो आवाज़ और तीव्र हो जा रही है तो मैं डर गई कि मैंने सामने वो जो काउंटर पे बैठे थे मैंने उनसे भी पूछा कि आपको कोई आवाज़ आ रही है बोले नहीं तो गाने चल रहे हैं यहाँ पे तो मैंने बोला ये कुछ तो अजीब हो रहा है तो मैं फिर से खाने लगी तो वो आवाज़ तीव्र हो गई बहुत तो फिर मेरे अंदर से आया कि ये रो क्यों रहा है तो जब और इमिडिएट मुझे जवाब ये आया कि जिसका शव तुम खा रही हो वही मैं बोल रहा हूँ तो वो मेरे लिए काफ़ी मतलब बोल नहीं सकती मैं वो फीलिंग की मैं बहुत स्केरी एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि जिसका शव खा रही वो कैसे बोल सकता है मेरे से तो मैं मैं डर गई और इमिडिएटली वो खाना उधर ही छोड़ के अपने रूम भागी और अपने रूममेट को पकड़ा कि मैंने बोला ये, ये अभी मेरे साथ हुआ है कैसे किसी की बॉडी मेरे साथ बात कर सकती है वो भी एक जानवर मेरे साथ कैसे बात कर सकता है और मुझे कैसे सुनाई दे सकता है तो वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रही थी क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थी और उसको ध्यान के अनुभव पता थे जैसे उसकी मदर करती थी और वो हंसी जा रही थी कि बोल रही पल्लवी तुझे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस आ रहे है तो तू क्यों डर क्यों रही है उससे तुझे नहीं खाना चाहिए तो मैंने बोला यार मैं कब से खाती हूँ मैं क्यों छोड़ू क्या ध्यान करते तो ये छोड़ना चाहिए ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है तो बोली लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन तुझे खाना क्यों है तो मैंने बोला क्यों नहीं खाना है तो वो फिर से मेरा आर्ग्यूमेंट हुआ उसके साथ तो उसने मुझे और एक आ, उस आर्ग्यूमेंट में बहुत अच्छी बात बोली कि उसने बोला चल ठीक है तू मेरी बात नहीं मानेगी एक बात तो मानेगी तू ध्यान कर रही है तो अपने ध्यान में इस थॉट को रिलीज कर और तू इस इसका आंसर पा कि तुझे खाना है तो क्यों खाना है तो मुझे काफ़ी वैलिड लगा कि मैंने बोला ये सही है मैं आज अपने ध्यान में ट्राई करती तो ध्यान में बैठी और मैंने इस थॉट को रिलीज किया कि भाई मुझे क्यों नॉनवेज क्यों नहीं खाना है और मुझे ये अनुभव क्यों आया है ये सोच के ये रिलीज करके मैं ध्यान में बैठी और फिर उस ध्यान में मुझे जो क्लैरिटी आई वो ये थी कि जो मुझे आंसर कन्विंसिंग आंसर ये था अगर मेरे पास किसी को लाइफ देने की शक्ति नहीं है तो लेने लेने का भी अधिकार मेरे पास नहीं है तो मेरे पास कहाँ से अधिकार किसने दिया कि मैं बेजुबान जानवरों का शव खाऊँ उनकी जान ले लूँ उस कर्म का भागीदार बनो तो अगर मैं किसी के साथ ऐसा कर रही हूं और खुद किसी प्रश्न को ढूंढ रही हूं क्योंकि उस टाइम मुझे ये फील होता था कि लाइफ में ना कोई प्यार व्यार नाम की चीज है नहीं सब स्वार्थ है अगर पेरेंट्स भी बात कर रहे तो सबसे पहले पूछ रहे कि कितने मार्क्स आए आपको कितने कहाँ तक पहुंचेंगे क्या होगा तो ये फेज में मुझे वो फील होने लगा था कि सब मतलब है लाइफ में सब कुछ मतलब ही दुनिया है यहाँ पे किसी का किसी से कुछ नहीं है तो वो डिटैचमेंट जो लाइफ में आ रहा था तो तब मुझे ये समझ में आया कि अगर मेरे ही भीतर वो प्रेम नहीं है और मैं बाहर ढूंढ रही हूँ उसको तो कैसे मिलेगा सबसे वर्स्ट कर्मा जो मैं कर रही हूँ कि मैं बेजुबान जानवरों को ही खा रही हूँ तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मेरी लाइफ बेटर हो मेरे लाइफ में कोई मुझसे प्यार करे कोई अच्छा ट्रीट करे जो मतलब ही ना हो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं कितनी मतलब ही हूँ तो ये जो रियलाइजेशन मुझे उस ध्यान के बाद मिले एंड आई वॉज कन्विंस्ड कि नहीं मैं इसके बाद मैं नॉन वेज छोड़ दूँगी और मैंने छोड़ दिया उसके बाद मैं घर पे भी गई मेरे पापा बिल्कुल मान नहीं रहे थे सब हंस रहे थे बोले ये चार दिन का ट्रेंड है ये ध्यान दिन ध्यान व्यन छोड़ देगी फिर से खाएगी तो मेरे सामने बहुत नॉन वेजिटेरियन के अलग अलग, अलग पकवान रखे गए फिर भी मैंने बोला मैं उठ चुकी हूँ उनको यह लग रहा था कि कि मैं बाहर से कोशिश कर रही हूं, लेकिन मैंने उनको प्रूव किया कि ये अंदर से जा चुका है ये जो है जो रियलाइजेशन वो अंदर से आते हैं तो इस प्रकार से उन्होंने कोशिश की टेस्ट करने की तो ये मेरे लिए भी अनुभव था कि क्या सच में मैंने अंदर से उसको छोड़ा हुआ है लेकिन और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस नॉनवेज से जो एनर्जी मेरे अंदर आई उसको ध्यान ने ही क्लीन किया है जितने भी नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो इस प्रकार का कर्म करते हैं तो ध्यान में आने के बाद कुछ साल लगते हैं उस एनर्जी को पूरा शुद्ध होने में उस कर्म को पूरा जाने में क्योंकि वही एनर्जी हमारे बहुत सारे स्ट्रगल्स को बहुत सारे वैसे नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है फिर जैसे जैसे मैंने अपनी ध्यान की साधना बढ़ाई वैसे देखा कि शुद्ध होना हमारे लाइफ में एक सोल लेवल पे फिर माइंड लेवल पे फिर फिजिकल लेवल पे कितना जरूरी है और उसके बाद ही हमारा जो इवोल्यूशन है वो स्पीडअप हो जाता है बहुत अच्छा बल्वी जी इतना सुंदर आंसर कि किस प्रकार हम अपने जीवन में हर क्वेश्चन को हम कैसे आंसर पा सकते हैं और जो हमारे अंदर से आंसर आता है उसकी कितनी प्योरिटी है हमें कितनी क्लैरिटी मिलती है उससे अभी हम फिर मिलेंगे आपके इतनी सुंदर यात्रा को सुनने के लिए तब तक, तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं hmm. धन्यवाद hmm. दर्शकों कितनी सुंदर जर्नी हमने अभी तक सुनी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जर्नी को आत्मा की यात्रा को आप कभी भी सुने पूरी तरह से कंसंट्रेट होके पहले ध्यान करिए पाँच दस मिनट फिर उस आत्मा की यात्रा को सुनिए उसके अंदर से क्या क्या बारीकियाँ आपकी सोल उठा सकती है आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आ सकते हैं कितना अच्छा है कि कैसे एक नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन में कैसे शिफ्ट हुआ किस प्रकार कर्मास बाद में भी हमारे साथ चलते हैं जो हमने कर्म किए हुए हैं वो हमारे साथ करते हैं परंतु ध्यान के माध्यम से हम उन सबको शुद्ध कर सकते हैं अभी पल्लवी जी की आत्मा की यात्रा में हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए जानेंगे किस प्रकार संसार में निर्वाण, गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए कैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है उस समय आगे का उसका जीवन कैसा होता है किस प्रकार हर मोमेंट को हमें समझ आती है और हम आगे इसी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए इस सुंदर आत्मा की यात्रा में धन्यवाद एक स्त्री जो माँ है और एक स्त्री जो माँ अभी तक बनी नहीं है ये दोनों में बहुत अंतर होता है एक पत्नी का रोल एक मातृत्व का रोल इनसे हमारी जो स्त्री शक्ति है ये पूर्ण स्वरूप में आ जाती है मैं माँ बनी और उसके बाद जो मेरे फिजिस इवोल्यूशन मेरे सोल इवोल्यूशन में स्टार्ट हुए उसमें मैंने ये देखा कि हर एक रूप या हर एक तत्व या हर एक क्वालिटी हर एक सोल में होती है जो नहीं है उसको सीखने हम आते हैं हर एक गुरु भी अलग अलग एनलाइटनमेंट के लेवल पे है सभी एक लेवल पे नहीं है अलग अलग स्तर पे अलग अलग गुरु हैं तो वो उनका सोल इवोल्यूशन है तो इसलिए अगर हमें अपना सोल इवोल्यूशन खुद एक्सपीरियंस करना है तो हमें आ, हर एक किताब क्या सही है गलत है वो पहले पहचानना नहीं आएगा लेकिन ध्यान अगर करोगे तो आपको अपने इंटूशन स्ट्रांग होते हुए दिखाई देंगे